हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रविंद्र दिल्ली से। ये मेरा गार्डनिंग से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है जिसे मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। और इस वीडियो में मैं जस्ट अपने सीड की ग्रोथ शो करूँगी, जो मैंने सीड्स लगाए हैं, वेजिटेबल सीड्स। ये मैंने 12 फरवरी को लगाए थे और उन सब का अपडेट मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे इनको कैसे ट्रांसप्लांट करना है, कब करना है, वो सब भी बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये सीड्स की। ये मैंने लॉन्ग बीन्स के सीड डाले थे 12 फरवरी को, जो कि आज 27 फरवरी है। काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए हैं। अभी इनके ऊपर दो चार पत्ते और आ जाएं, फिर मैंने ट्रांसप्लांट कर दूंगी। और यहाँ पर लगाए हैं मैंने ककड़ी के सीड्स, जो 100% जर्मिनेशन है इनकी। मैंने 5 सीड्स लगाए थे, 5 के 5 सीड्स ग्रो हो गए हैं। इसमें मैंने लगाए हैं मिर्च के सीड, और इनके साथ ये पता नहीं कौन सा सीड ग्रो हुआ है। पहले जब इसका स्टॉक निकला था, मुझे लगा ये शायद टमाटर है, क्योंकि इसकी टमाटर की तरह रुए हैं। बट बाद में ये ऊपर से पत्ते कुछ और हैं, अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ आइडेंटिफाई कि क्या है। मैं इसे ग्रो होने दूंगी, बाद में देखूंगी कि इसका क्या करना है। और ये मैंने डाले थे यहाँ पे थोड़े से अचारी मिर्च के सीड, जो जर्मिनेशन अच्छी दे रहे हैं अभी, पर स्लो है जर्मिनेशन काफ़ी इनकी। ये हैं खीरा के सीड, जो 2 नहीं निकले हैं अभी, बाकी 3 ग्रो हो गए हैं अच्छे से। यहाँ डाले थे 3 सीड खीरा के, जो तीनों ही ग्रो हो चुके हैं। यहाँ पे डाले थे करेला के सीड, 6 सीड डाले थे, जिसमें से 7 सीड मैंने ग्रो किए थे, जिनमें से सिर्फ 3 ही ग्रो हुए हैं अभी, बाकी अभी नहीं स्टार्ट हुई उनकी जर्मिनेशन। ये डाले थे मैंने कद्दू के सीड, 3 सीड ग्रो किए थे, तीनों ही ग्रो हो गए हैं। और यहाँ पे डाले थे मैंने तोरी के सीड, 4 सीड, 4 के 4 जर्मिनेट हो चुके हैं। और ये हैं गोल वाले 56 कद्दू के सीड, ये मैंने 8 सीड डाले थे, 2-2 हर उसमें, कि एक रखूंगी एक छोड़ दूंगी, बट जो अच्छा होगा उसे रख लूंगी। बट ये सारे ही ग्रो हुए हैं और अच्छे ग्रो हुए हैं। और सीड दिखाती हूँ एक मिनट। यहाँ डाले थे मैंने क्यारी में भिंडी के सीड, जो कि ऑलमोस्ट सब निकल गए हैं। ये 6-6 इंच के गैप पे मैंने एक एक सीड लगाया है। बीच में मैंने पालक हार्वेस्ट की थी, यहाँ से दोबारा से पालक लगा दी है, क्योंकि जब तक भिंडी ग्रो होगी अच्छी तरह से, तब तक पालक की 2 हार्वेस्टिंग हमें मिल जाएंगी। यहाँ पे भी बीच में प्याज और मूली लगी है छोटी वाली, उसके बीच में मैंने बीच बीच में भिंडी के सीड डाले हैं, और ये देखिए ये ग्रो हो चुके हैं। यहाँ भी पालक और भिंडी है। ये एक पालक का प्लांट मैंने छोड़ दिया है सीड बनने के लिए, बाकी पालक सारी मैंने हार्वेस्ट कर ली थी और उखाड़ भी दी, बट ये वाला पेड़ मैंने छोड़ा है अभी, ताकि इस पे बीज जनरेट हो जाएं, बीज बन जाएं इसके ऊपर, उनको हम नेक्स्ट सीजन ग्रो करेंगे। ये एक मिर्च का प्लांट है, जो कि अपने आप ही निकल आया था, इसे मैंने अभी ग्रो नहीं किया था। ये जब हम किचन वेस्ट डालते हैं ना अपने प्लांट्स में, तो उन प्लांट्स में अपने आप कुछ पौधे निकल आते हैं, जैसे मिर्च के हो गए, टमाटर के हो गए, तो उनको हम सेपरेट करके लगा सकते हैं। तो ये मिर्च का प्लांट वहीं से निकला था, किचन वेस्ट के डाला हुआ किसी पौधे में, तो उसमें ये निकला हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया है। ऐसे ही एक ये टमाटर का पौधा भी मेरे अंजीर के पौधे में निकला हुआ था, तो वहां से मैंने इसको लेकर यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया है। मेरे सारे ही बीज अच्छे से चल रहे हैं, बीजों ने अच्छी जर्मिनेशन दी है और अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। कल शाम मेरी छत पे बंदरों का अटैक हुआ, थैंक गॉड कि उन्होंने बीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि मैंने जितनी भी कटिंग्स लगाई थी उन्होंने कटिंग्स को उखाड़ कर फेंक दिया। मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको अभी। ये देखिए यहाँ पे मैंने अल्मांडा की कटिंग्स लगाई थी, जिसमें से उन्होंने ये सारी कटिंग्स ये सारी कटिंग्स उखाड़ कर फेंक दी, और ये सारे पोर्ट्स उन्होंने उल्टे किए हुए थे। सुबह जब मैं छत पे आई, सारे पोर्ट्स मैंने सही किए और कटिंग्स को देखा कि ये कटिंग्स क्यों उखाड़ के फेंक गए, अब तो ये लग भी नहीं सकती। टमाटरों का देखो क्या हाल किया उन्होंने, टमाटर जो खाए छिलके फेंके। और कुछ ये देखिए मैंने यहाँ पर मिट्टी को सोलराइज करने के लिए रखा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ एक एक बाइट करके फेंके हुए हैं, सब टमाटर वेस्ट कर दिए। और गेंदे के फूलों को तो उन्होंने पूरी तरह से नोचा, अच्छी तरह से सब खा गए गेंदे के फूल। और ये सारी मेरी मिट्टी जो सोलराइज होने के लिए मैंने डाल रखी है,
अच्छे से सोलराइज हो जाए, फिर इसमें हम अपने सीड्स को जो हमारी पौध तैयार हुई है उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। और यहाँ पर हैं मेथी के सीड्स। इस कंटेनर में पहले अदरक लगा था, अदरक की हार्वेस्टिंग करने के बाद ये फ्री पड़ा था अभी कंटेनर, तो मैंने सोचा जब तक गर्मी नहीं बढ़ती है तब तक इसमें मेथी लगा दी जाए। जब तक गर्मी बढ़ेगी और मुझे मिट्टी चाहिए होगी तब तक मैं दो हार्वेस्ट ले लूंगी मेथी से। और ये एक ट्रे है जिसमें मैंने पिटूनिया की सीडलिंग की थी, और ये कुछ पिटूनिया के पौध जो इसको मैंने ट्रांसप्लांट भी नहीं किया था, ये अपने आप इसी ट्रे में ही फ्लावरिंग कर रही है और अच्छी कर रही है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाले थे अचारी मिर्च के सीड, और ये दो जो हैं ये हैं किन्नू किन्नू के सीड, दोनों ग्रो हो चुके हैं और अचारी मिर्च के सीड भी ग्रो हो चुके हैं। और ये यहाँ पर कुछ मैंने बैंगन की कटिंग लगाई है, बट लग नहीं रहा कि ये सक्सेस होगी क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ती जा रही है, मौसम काफ़ी ड्राई हो चुका है। वीडियो में इतना ही। आगे इन पौधों को कब ट्रांसप्लांट करना है, कैसे करना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपडेट दूंगी आप लोगों को। अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।